الفاتحه. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجنے محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہے. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاست نے مذہب کو تباہ کیا ہے، اور سیاسی لوگوں نے مذہب کا انٹرپریٹیشن اپنے مطلب کے مطابق کیا، اور یہ چاہا کہ ہم مذہب کے اندر بھی رہیں اور جو ہمارا دل چاہتا ہے وہ بھی کریں. دیکھیے پرابلم کیا ہے، پہلے پرابلم سمجھیے کہ مذہب کو بدنام کرنے والی طاقتیں کون سی ہیں، اور پرابلم کہاں سے آتی ہے. اسلام الہی تحریک تھا. اگر اسلام اسی ڈگر پر رہتا جس ڈگر پر رسول اللہ چلا رہے تھے تو جھگڑے، فساد، ہنگامے، لڑائی، عداوت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. ساری دنیا کے واسطے امن، فلاح، آرام، سکون سب کچھ مل جاتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو باتیں کہیں، مذہب کا کام کسی کو برا کہنا نہیں ہے، مذہب کا کام کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، مذہب کا کام کسی کا دل توڑنا نہیں ہے، مذہب کا کام کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے. مذہب ان سماجی بیماریوں کی نشاندہی کرتا ہے جو انسان کو ذلیل کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، دکھ پہنچاتی ہیں. اب میرا ایک ایک جملہ بڑے غور سے سنیے گا. ڈاکٹر کے دل میں کسی کی عداوت نہیں ہوتی، ڈاکٹر کسی کا دشمن نہیں ہوتا. اگر دوا کڑوی بھی ہے تو اس لیے ہے کہ ذرا سی کڑواہٹ جھیل لو تاکہ درد کی تکلیف سے نجات مل جائے. اگر انجیکشن کی سوئی گوشت کے اندر جانے سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے
तो ये मामूली तकलीफ है, इसे बर्दाश्त कर लो, बड़ी तकलीफ से नजात मिल जाएगी। अगर ऑपरेशन में जिस्म काटा जाता है तो थोड़ा सा जिस्म कट जाए, दो चार दिन, आठ दिन, दस दिन, बीस दिन की प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए प्रॉब्लम से नजात हो जाएगी। जिस तरीके से कि डॉक्टर एक मूवमेंट चलाता है आदमियों को अच्छा करने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए, वैसे ही मजहब एक मूवमेंट है उन बुराइयों से लड़ने के लिए जो इंसानियत को बर्बाद करती हैं। और हमारे आपने इसके अंदर जबरदस्ती नहीं है, इसके अंदर जबर नहीं है, इसके अंदर ताकत का इस्तेमाल नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। रसूलुल्लाह भी जिन लोगों से लड़े हैं वो इसलिए नहीं लड़े हैं कि क्योंकि तुम काफिर हो इसलिए हम तुमसे लड़ेंगे, जो लड़ने आए मजबूरन अपने बचाव के लिए उनसे लड़े हैं, जो लड़ने आए हैं मजबूरन अपने बचाव के लिए उनसे लड़े हैं, जाके नहीं लड़े हैं उनसे, बल्कि लड़ने जो लोग आए हैं अपना बचाव किया है, अपना डिफेंस किया है, जो फितरत की आवाज है। तो मजहब का मकसद टकराव पैदा करना नहीं होता। कुरान मजीद अगर आप गौर से पढ़ें, मेरे दिल में बड़ा दर्द है कि कुरान के ऊपर लोग अजब अजब तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुरान मजीद ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और कुरान मजीद ने शिर्क के बराबर अगर किसी चीज की मजम्मत की है तो वो जुल्म है कि किसी पर जुल्म ना करो, किसी पर ज्यादती ना करो। कुरान मजीद ने साफ लफ्जों में कहा है कि जमीन पर फसाद ना फैलाओ। पढ़िए कुरान आप, कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है जमीन पर फसाद ना फैलाओ। कुरान ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो जहां रहते हैं वहां से उनको निकालो नहीं, लोगों को वतनों से ना निकालो अपने इख्तदार और दौलत के लिए। तो अजीजाने गिरामी, इस्लाम एक ऐसा मूवमेंट है कि जिसके अंदर इंसान की भलाई भलाई है। अगर इस्लाम मुलुकियत से के आईने में न रख दिया जाता और अगर इस्लाम की वही शक्ल रहती जो रसूल ने पेश की, जो आले रसूल ने पेश की, तो इस दवा से सारी दुनिया को फायदा पहुंचता और बहुत थोड़े अरसे में ये दवा सारी दुनिया की बीमारियों को दूर कर देती। मगर बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि हमने कुरानी तालीमात का एंगल ही बदल दिया। तवज्जो चाहता हूं अजीजाने गिरामी, हमने कुरानी तालीमात का एंगल ही बदल दिया और हमने दूसरे रुख से उसको देखना शुरू किया। प्रॉब्लम क्या आई, मुलूकियत और सियासत की वजह से। मैं मिसाल देता हूं, हर एक की समझ में बात आ जाएगी। बॉम्बे में एक बहुत बड़ा मशहूर डॉक्टर है, उससे बढ़ के अच्छा डॉक्टर नहीं है, बेहतरीन डॉक्टर है और निहायत काबिल डॉक्टर है, हर मरस का इलाज करता है, मुसलमान है, हमारा दोस्त है। हम कभी कभी जाके उसके मतलब में बैठते हैं तो वो मरीजों से बात करता है तो हम भी सुनते हैं। मरीज आया, डॉक्टर ने उसको समझाया तुम्हारा वेट ज्यादा है, अपना वेट कम करो, तुम चिकनी चीजें ना खाना, तुम ऐसी चीजें ना खाना जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो। तो
तुम्हारा हार्ट कोलैप्स कर जाएगा, तुम्हारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तुम्हें हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। उसने हार्ट के मुतालिक पूरा लेक्चर दिया। जब पेशेंट अपना नाम लिखवाने लगा तो मालूम हुआ ये पेशेंट क्रिश्चियन है। नाम से ये अंदाजा हुआ कि ये मरीज जो है ये मजहब के एतबार से क्रिश्चियन है। हम फुल ऑफ क्रिस्टल माल खा रहे हैं और वेट गेन करते जा रहे हैं। जब हमसे कहा गया कि आपका दोस्त क्या कह रहा था, कुछ ख्याल कीजिए, हमने कहा वो क्रिश्चियन से कह रहा था, हम तो मुसलमान हैं, हमसे मतलब क्या है। दूसरे दिन जाके बैठे, वहां शुगर पेशेंट आ गया था। डॉक्टर उसको समझा रहा था, देखो मिठाइयां ना खाना, शक्कर वाली चाय ना पीना, मुरक्कम गिजाएं ना खाना, आलू आलू बटाटा जो है ये सब ना खाना, मुदिर होगा, और ये ना करना, और चर्बी ना खाना, और चिकनाई ना खाना, और वाक करना, और सब जो भी शुगर पेशेंट की बातें हैं वो सब डॉक्टर जो था वो उसको समझा रहा था। जब उसको समझा चुका, उसको नुस्खा लिखने लगा, नाम का भैया नाम क्या है तुम्हारा, तो उसने अपना नाम बताया। तो मालूम हुआ वो पेशेंट जो था वो हिंदू था। हमसे भी लोगों ने कहा अथर साहब आपको भी शुगर हो सकती है, कहा हमसे क्या मतलब, वो तो हिंदू के लिए कहा गया है, हमसे कोई ताल्लुक थोड़ी है, हम जितनी शक्कर खाएं मुसलमान है। तो अजीजाने गिरामी, इलाज में और दवाई में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का सवाल नहीं है। जो ज्यादा चिकनाई खाएगा हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी होगी, जो शक्कर के साथ माल खूब उड़ाएगा और पेशेंट होगा डायबिटीज का तो वो बीमार होके जाएगा, जो भी बदपरहेजी करेगा वो बीमार होगा। इसके अंदर मजहब की कैद नहीं है कि हिंदू बीमार होगा, कि मुसलमान बीमार होगा, कि सिख बीमार होगा, कि ईसाई बीमार होगा, कि यहूदी बीमार होगा। एक उसूल याद रखिए, जो बदपरहेजी करेगा वो बीमार होगा। कुरान ने बीमारियां बताई, बीमारियों के इलाज बताए, मुसलमान ये सुन के शाद हो गया, ये यहूदियों के लिए, ये ईसाइयों के लिए, ये काफिरों के लिए, हमसे क्या मतलब, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं। इस मसले को गौर कीजिए आप कि कुरान मजीद ने अगर यहूदियों में कुछ बुराइयां देखी तो उन बुराइयों को पॉइंट आउट किया, अगर ईसाइयों में कुछ बुराइयां देखी तो उन बुराइयों को पॉइंट आउट किया, अगर नॉन मुस्लिम्स में कुछ बुराइयां देखी तो उन बुराइयों को पॉइंट आउट किया। ये आप जो बांट रहे हैं खानों में ये आपकी थिंकिंग है,
ये जो आप खानों में बांट रहे हैं आदमियों को, ये आपकी थिंकिंग है कि ये यहूदी है, ये मुसलमान है, ये यहूदी के अगेंस्ट है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, एक दूसरे से झगड़ा है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, झगड़ा है, ये आप अपने लेवल से देख के बांट रहे हैं। अल्लाह जो सबका खालिक है, यहूदी भी उसी ने पैदा किए, ईसाई भी उसी ने पैदा किए, मुसलमान भी उसी ने पैदा किए, हिंदू भी उसी ने पैदा किए। अजीजान गिरामी, वो अल्लाह अगर अपने बंदों की गलतियों को पॉइंट आउट कर रहा है तो इसको खानों में न बांटिए, बल्कि उससे बचने की कोशिश कीजिए। तवज्जो चाहता हूं अजीजान गिरामी, यहूदियों के ऊपर अल्लाह ने बहुत करम किया। आइए मैं आज आपको दो मिनट में यहूदियों की कहानी सुनाता हूं। यहूदी क्या है सुनिए, यहूदी क्या है। हजरत इब्राहिम के दो बेटे, एक जनाबे इस्माइल, एक जनाबे इसहाक, दो बीवियां, एक जनाबे हाजरा, एक जनाबे सारा, हर बीवी से एक एक बेटा, जनाबे सारा से जनाबे इसहाक, जनाबे हाजरा से जनाबे इस्माइल। पहले पूरी फैमिली शाम में रहती थी, अल्लाह का हुक्म हुआ कि हाजरा और इस्माइल को जहां हम कहे वहां छोड़ाओ, हुक्म खुदा से जनाबे इब्राहिम ने लाके उनको मक्के में छोड़ा। तो ये फैमिली और ये खानदान जो ब्रांच थी उनके, ये मक्के में डेवलप हुई। और जनाबे सारा और जनाबे इसहाक ये शाम में रहे। जनाबे इसहाक के साहबजादे थे जनाबे याकूब, वो भी नबी थे। जनाबे इसहाक भी नबी थे, जनाबे याकूब भी नबी थे। जनाबे याकूब हजरत इब्राहिम के पोते थे, हजरत इसहाक के बेटे थे, हजरत इस्माइल के भतीजे थे। जनाबे इसहाक का एक नाम इसराइल भी था। सुने बच्चे, इसको जहन में नोट करें, जनाबे इसहाक का एक नाम इसराइल भी था। जनाबे इसहाक के 12 बेटे हुए। चूंकि उनका नाम इसराइल था लिहाजा ये लोग बनी इसराइल कहलाए। और किया आपने, बनी इब्न कहते हैं अरबी में बेटे को, तो बनी उसी से बना है। बनी इसराइल माने इसराइल के बेटे, इसराइल की औलादें। आपने कुरान पाक में यह किस्सा बहुत तफसील से पढ़ा होगा कि जनाबे इसहाक के बेटों ने उनके एक बेटे हजरत यूसुफ को जाके कुएं में धकेल दिया और वहां से उनको वो लोग ले गए निकाल के जो गुलामों के बेचने का कारोबार करते थे, और उन्होंने हजरत यूसुफ को ले जाके मिस्र में बेचा। जनाबे यूसुफ मिस्र में रहे, और वो लंबी कहानी है, आप कुरान में पढ़िए, पूरा तफसील मालूम हो जाएगी। बहरहाल वहां उन पर तकलीफें भी गुजरी, कैद में भी रहे, मगर अल्लाह ने उन पर करम किया और फिर वो मिस्र के बादशाह हो गए। जब वो मिस्र के बादशाह हो गए तो उनके भाई गल्ला लेने के लिए उनके पास पहुंचे। भाई उनको पहचान नहीं पाए, मगर उन्होंने अपने भाइयों को पहचान लिया। मैं फिर एक बात कहूंगा कि मजहब नफरत नहीं सिखाता। जिन भाइयों ने हजरत यूसुफ को कुएं में ढकेला था, इस वक्त यूसुफ बादशाह थे, गर्दनें उड़वा देते उनकी, मगर यूसुफ खाली बादशाह नहीं थे, नबी भी थे। बादशाह नहीं थे खाली, नबी भी थे।
लिहाजा मजहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे हजरत यूसुफ तख्त हुकूमत पर बैठ के, उन्होंने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, उनको गल्ला दे दिया और खाली जो पैसे लाए थे वो भी उनके सामान में रखवा दिए और उनसे कहा कि एक भाई तुम्हारा और भी है शायद, पूछा उनसे तो उनका एक भाई और भी है, तो कहा आपकी आना तो उसको भी लेते आना। जब वो आए दोबारा तो उस भाई को भी लाइए, सगा भाई था हजरत यूसुफ का, छोटा था हजरत यूसुफ से बिन्यामीन, और ये उनके कत्ल में या उनको कुएं में डालने में साजिश में शरीक नहीं था। ये उस भाई को उन्होंने रोक लिया, फिर बाप को भी बुला लिया, सब भाइयों को भी बुला लिया, सबको माफ कर दिया। इस तरीके से बनी इसराइल शाम से माइग्रेट करके मिस्र पहुंचे। ये मैं महज इसलिए सुना रहा हूं कि हमारे बच्चों को ये मामला मालूम हो जाए कि बनी इसराइल कौन है और मिस्र में कैसे पहुंचे। बनी इसराइल शाम से माइग्रेट करके इस तरह मिस्र पहुंचे। मिस्र में बहुत दिनों बनी इसराइल हुकूमत करते रहे, यानी हजरत यूसुफ के इंतकाल के बाद भी हुकूमत इनके खानदान में रही। मगर जाहिर है कि नबी तो हजरत यूसुफ थे, उनकी हुकूमत तो अदलो इंसाफ पर थी, मगर बाद वाले जो आए वो वैसे नहीं रहे, धीरे धीरे करके हुकूमत उनके हाथ से निकल गई, हुकूमत उनके हाथ से निकल गई और एक दूसरा खानदान, दूसरी फैमिली जो किप्ती कहलाते थे, वो वहां के रूलर हो गए, बादशाह हो गए। और ये लोग जो थे ये उनके गुलाम बन गए, मतलब गुलाम से मुराद वैसे गुलाम नहीं, मतलब वो गालिब आ गए और ये खत्म हो गए। उन्होंने इन पर जुल्म करना शुरू किए, इनको सताना शुरू किया। किप्ती खानदान वो था जिसमें फिरौन होते थे, फिरौन पिरापर नाउन नहीं है, ये भी समझ लीजिए, जो उस तख्त पर बैठता था वो फिरौन कहलाता था। जैसे बादशाह पिरापर नाउन नहीं है, जो किंग होगा वो बादशाह कहलाएगा, वैसे फिरौन जो है वो पिरापर नाउन नहीं है, जो उस तरह बैठेगा उस गद्दी पर वो फिरौन कहलाएगा। चुनाचे हजरत मूसा के जमाने में जो फिरौन था, जिसका तस्किरा कुरान में है और जो दरिया में डूब गया, इसका नाम रैमसेस II था। ये फिरौन हजरत मूसा के पीरियड का जो था, ये फिरौन रैमसेस II था। जब पैगंबरों की ये औलाद बहुत दिनों जिल्लत और खारी की जिंदगी गुजार चुकी, तो अल्लाह को इन पर फिर रहम आया और उन्होंने इनमें हजरत मूसा जैसा रहबर पैदा किया और हजरत मूसा ने इनको ऑर्गेनाइज किया। अल्लाह ने इनको फिरौन के जुल्म से नजात दिलाई, इनके लिए दरिया में रास्ते बनाए, इनको दरिया उस पार उतारा, फिरौन को डुबोया, इनको तौरात जैसी किताब दी, मूसा जैसा नबी दिया। अल्लाह ने इन पर एहसानात किए, इन पर करम किए, इन पर इज्जतें की। सुनिएगा जरा, कुरान ने ये सब लिखा है, जो कुछ पढ़ रहा हूं ये सब कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। अल्लाह ने इनको बहुत कुछ दिया और उसके बाद जब ये इज्जत आबरू के साथ खैरियत से जिंदा सलामत मुसीबतों के दौर से निकल के पहुंचे सीरिया के बॉर्डर तक, तो अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि जब तुम उस इलाके में दाखिल होने लगना जिसका हमने तुमसे वादा किया है, तो सजदा करना। और हित्ता हित्ता कहते हुए दाखिल होना, कुरान मजीद में आयत मौजूद है,
وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً, جب تم اس کے انٹرنس میں پہنچنا اس علاقے کے تو سجدہ کرنا اللہ کو. حِطَّة کے معنی ہوتے ہیں اس زبان میں برکت کے, اور حِطَّة حِطَّة کہتے ہوئے اندر داخل ہونا. مگر اتنے احسانات کے باوجود بنی اسرائیل نے اللہ کا کہنا نہیں مانا, نہ سجدہ کیا نہ حِطَّة حِطَّة کہتے ہوئے داخل ہوئے. نتیجے کے طور پر قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو 40 برس وادی تیہ میں بھٹکایا, وہ بھٹکتے رہے اور ان کو راستہ نہ ملا اور وہ منزل نہ پا سکے جس منزل کی تلاش میں وہ آئے تھے. یعنی 40 برس کی سزا ان کو تجویز ہوئی اور 40 برس تک وہ اس وادی میں بھٹکتے رہے اور اس سے نکلنے کا راستہ ان کو نہ ملا. یہ پورا قصہ قرآن نے بتایا ہے. لیکن مسلمان تو یہ سوچ رہا ہے کہ ڈائبٹک تو ہندو ہے, ہم سے کیا مطلب, ہارٹ پیشنٹ تو کرسچین ہے, ہم سے کیا مطلب. جبکہ جو گڑبڑ کرے گا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ان سے اللہ کا حکم نہ ماننے کی بنا پر ناراض ہوا اور وہ ایک مصیبت میں گرفتار ہوئے. عزیزوں اب توجہ چاہتا ہوں, یہاں تک تو قرآن کا لکھا ہے, اب آئیے مجھ سے سنیے. جس طرح ابراہیم کے ایک بیٹے کی نسل مصر میں تھی ویسے ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل مکے میں تھی. پیغمبر کے بعد اور حضرت اسماعیل کے بعد ان میں بھی برائیاں پیدا ہو گئیں, ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں, ان میں بھی بہتوں میں بت پرستی پیدا ہو گئی, ان میں بھی ظلم و جور کی عادتیں پیدا ہو گئیں, ان پر بھی غریبی اور مصیبتوں کا حملہ ہونے لگا. بہت دنوں بعد اللہ کو ان کے حال پر بھی رحم آیا اور اللہ نے ایک نبی پیدا کیا جس نے ان کو منظم کیا, جس نے ان کو آرگنائز کیا, جس نے ان کو تمام مشکلات سے نجات دلائی, جس نے ان کو برائیاں کیا ہیں, اچھائیاں کیا ہیں, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, ظلمت کیا ہے, نور کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, وہ تمام باتیں ان کو بتائیں. اللہ نے ان کو محمد جیسا نبی دیا, اسلام جیسا دین دیا, قرآن جیسی کتاب دی. لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ جب یہ رسول کے ساتھ حج آخر سے پلٹ رہے تھے تو ان کو بھی حکم دیا گیا کہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرو اور مولا مولا کہو. صلوات بر محمد. Yeah.
तो अजीजान गिरामी, अगर इब्राहिम के एक बेटे की नस्ल के लोग हित्ता हित्ता न कहने और हुक्म खुदा की मुखालिफत के नतीजे में अदाब में मुब्तला हो सकते हैं, तो दूसरे बेटे की नस्ल वाले मौला मौला न कह के और अल्लाह के हुक्म की सरताबी करके क्या इज्जत पाएंगे? पढ़िए आप कुरान, उसके अंदर लिखा है बनी इसराइल का कैरेक्टर कि ये पैगंबरों को कत्ल करते थे, ये आयतों को बेचते थे, ये लोगों का माल गलत तरीके से लेके खाते थे, इसलिए अल्लाह इनसे नाराज है। तो अजीजान गिरामी, अगर बनी इसराइल से अल्लाह इसलिए नाराज है कि वो पैगंबरों को कत्ल करते थे, तो क्या रसूल के नवासे को कत्ल करने वाले मुसलमानों से अल्लाह राजी होगा? इस्लाम को सियासत ने क्या दिया? इस्लाम को मुलुकियत ने क्या दिया? आप कभी इंसाफ से सोचिए, इंसानों के जहन सोचने के लायक नहीं रहे। आपको अपने बर्बादी के राज खुद मालूम नहीं है, आपको अपनी परेशानियों की सबब खुद नहीं मालूम है। नतीजा यह है कि आप बौखला बौखला के कभी इसको जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। आपने जिनसे दोस्ती की है वो दोस्ती के लायक कैरेक्टर नहीं है, और जिनसे दुश्मनी की है वो दुश्मनी आपको ले डूबेगी। दोस्ती और दुश्मनी समझबूझ के किया कीजिए, दोस्त बनाइए मगर कैरेक्टर देख के दोस्त बनाइए, और दुश्मनी कीजिए मगर हैसियत देख के दुश्मनी कीजिए। समझे आप? और गलत आदमी को दोस्त बना लिया तो शर्मिंदगी, निदामत, जिल्लत, रुसवाई है। मुलुकियत और सल्तनत के दामन पर दाग हैं, धब्बे हैं, बुराइयां हैं। आप इंसाफ से बताइए, जो हुसैन को कत्ल करें और अपने को मुसलमान भी कहें तो दो में से एक ही मुसलमान होगा, दोनों नहीं होंगे। आप ठंडे दिल से इस बात को सोचिए कभी और गौर कीजिए कि करबला में दो लश्कर आमने सामने खड़े हैं,
एक लश्कर हुसैन है जिसकी तादाद 72 है मगर लश्कर की शक्ल में खड़ा है, एक लश्कर यजीद है जिसकी तादाद लाखों में है। ये वाकया वो नहीं है जो हो के खत्म हो गया, बल्कि इस वाकये में खुसूसियत यह है कि हर साल मुहर्रम आके वो मंजर हमारे सामने पेश कर देता है। हर साल मुहर्रम आके वो मंजर हमारे सामने पेश कर देता है, यानी हर साल मुसलमान उम्मत का इम्तिहान होता है। हर साल मुसलमान उम्मत का इम्तिहान होता है। ये लश्कर हुसैन खड़ा है, ये लश्कर यजीद खड़ा है। अब अगर आज के एक मुसलमान को दोराहे पर छोड़ा जाए कि भैया जहां दिल चाहे चले जाओ, कहां जाइएगा? कुछ समझदार आदमियों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया, और वो तरीका ये इख्तियार किया कि करबला के मसले को उलझाने के लिए हमारे ऊपर कमेंट शुरू कर दिए। शिया काफिर हैं, शिया बिदती हैं, शिया गलत काम करते हैं, शिया नाजायज काम करते हैं। सीना पीटना, चेस्ट बीटिंग इस्लाम में जायज नहीं है, नजर नियाज इस्लाम में हराम है, सबील का पानी न पियो, अलम उठाना बिदत है, ताजियों को चूमना शिर्क है, ताजिया रखना बुत है। हमें किसी चीज का जवाब नहीं देना है। हम कहते हैं जो कुछ आप फरमा रहे हैं सब बिल्कुल सही, और हम नहायत बदतरीन बंदे, दोजख हम ही से भरेगा। लेकिन यहाँ ये इशू ही नहीं है, यहाँ इशू ये है कि हुसैन सही के यजीद, ये बताइए। जो अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में वो ये कि सियासत ने कुरान के माने बदले। तो अगर यहूदियों को इसलिए बुरा कहा गया कि उन्होंने तौरात के माने बदल के पब्लिक को बताए और हक को छिपाया, अब पढ़िए कुरान। यहूदियों की खाली यहूदी होने की वजह से बुराई नहीं है, उन्होंने अल्लाह की किताब की आयतों को बदल के पेश किया, उसका गलत इंटरप्रिटेशन पब्लिक को बताया। अगर ईसाइयों से कुरान इसलिए खफा है कि उन्होंने इंजील मुकद्दस के मानी व मतालिक को बदल के पेश किया, तो क्या फजाइल अहले बैत की आयतों को छिपाने वाले मुसलमानों से अल्लाह राजी होगा? कि भाई यहूदी अगर अल्लाह की किताब को बदलें तो निहायत बुरे हैं, ईसाई अगर अल्लाह की किताब को बदलें तो निहायत बुरे हैं,
लेकिन मुसलमान अल्लाह की किताब के जो माने ले लें, वो तो अपने लोग हैं ना, डालो जाने दो। आप सोचिए आपके ये क्या है, ये करबला सियासत और मजहब का टकराव है, करबला सियासत और मजहब का टकराव है। एक तरफ वो लश्कर है जो सियासी इस्लाम को बिलीव करता है और दूसरी तरफ वो लश्कर है जो मजहबी इस्लाम को बिलीव करता है। फरमाया हमने मजहबी इस्लाम को बिलीव करने वाले थोड़े से ही, लेकिन उनमें इतनी ताकत है कि 1400 बरस से भुलाए नहीं जा सके, 1400 बरस से भुलाए नहीं जा सके। और सियासी इस्लाम को मानने वाले बहुत सही, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुल के अपने नजरिए का इजहार कर सके। और फरमाया हमने इसीलिए इमाम अली मकाम ने इस मसले को उम्मत के सामने रख दिया। और शायद अल्लाह की मर्जी यही हो कि इसीलिए हर साल मुहर्रम आता है कि लोगों के जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि हक क्या है और बातिल क्या है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं और ऐसे थे कि जो यजीद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आलम इस्लाम में जो रुसवाई है मुसलमानों की, वो इसीलिए है कि उन्होंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया जो दीन और इस्लाम की इज्जत का सबब थे। आज हुसैनी इस्लाम के कोई खिलाफ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर ताजियेदारी सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते, नॉन मुस्लिम भी ताजियेदार हैं। और हिंदुस्तान की तारीख में अगर आप पुरानी तारीख देखें या आज की तारीख देखें तो नॉन मुस्लिम शायर गुजरे हैं और आज हैं जो मदह अहले बैत करते हैं। नॉन मुस्लिम ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अदाखाने बनवाए और आज भी बनवाते हैं। नॉन मुस्लिम ऐसे गुजरे जिन्होंने ताजिए रखे और आज भी रखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या है। देखिए ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर किसी के घर में गमी हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि उसी के मजहब का आदमी आए। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसके अंदर हिंदू के पहलू में मुसलमान रहता है, सिख के पहलू में ईसाई रहता है, यहूदी के पहलू में पारसी रहता है। तो अगर एक के घर में कोई मर जाता है तो पड़ोसी पहले चला जाता है। यह जरूरी नहीं कि उसका मजहब वही हो, और कंडोलेंस भी देता है, गम का इजहार भी करता है, मैयत के साथ जाता भी है वहां तक जहां आखिरी रसूम अंजाम दिए जाते हैं। तो मालूम हुआ कि यह इंसानियत है कि गम में हर एक शरीक हो जाता है, लेकिन इख्तदार की कश्मकश में हर एक नहीं आएगा साथ में। अगर आप मजलूमी वाला इस्लाम पेश करेंगे तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तबके एक दूसरे से करीब आएंगे। और अगर आप तलवार चलाने वाला और एक दूसरे को कत्ल करने वाला वायलेंस वाला इस्लाम पेश करेंगे तो नफरत बढ़ेगी। और अजीजाने गिरामी एक नुक्ता और भी बच्चे सुन लें कि इस हिंदुस्तान में मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हैं, और जो पढ़ता हूं मैं किताबों से नहीं जिंदगी से पढ़ता हूं। हिंदू हमारे पड़ोस में रहता था, उसका जवान लड़का मर गया,
हम गए, साथ में गए, उसके घर पर गए, पहले घर पर गए, जब मैया तो थी तो साथ में गए। अब जब पलट के आए और नमाज के बाद मस्जिद में गए तो कभी पेश इमाम ने ये नहीं कहा कि तुम हिंदू की मैयत में शरीक हो के आए हो, जरा नहा लो, कलमा पढ़ लो, तब मस्जिद में आना। और हिंदू के पड़ोस में मुसलमान रहता था, मुसलमान का लड़का मर गया, हिंदू साथ में गया, उसी तरह दोस्ती के नाते, पड़ोसी के नाते कब्रस्तान तक वो भी गया। पलट के जब आके मंदिर में गया तो कभी पुजारी ने उससे नहीं कहा कि जरा गंगा नहाओ, तुम मुसलमान की मैयत में शरीक होके आए हो। मालूमा मैयत में शरीक होने को कोई मजहब रोकता भी नहीं। अरे दुनिया सोचे कभी कि हिंदू की मैयत में मुसलमान शरीक हो के हिंदू रहता है और मुसलमान की हिंदू की मैयत में मुसलमान शरीक हो तो मुसलमान रहता है, मुसलमान की मैयत में हिंदू शरीक हो तो हिंदू रहता है। ये कौन सा इस्लाम है कि जो ताजिए में आलम में शिरकत करने से कुफर में बदल जाता है। मजहब में टॉलरेंस होना चाहिए, मजहब में बर्दाश्त होना चाहिए, मजहब का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि हर एक के लिए गुंजाइश निकले। जभी तो आप तबलीग करेंगे, जभी तो आप दुनिया को समझाएंगे, जभी तो अच्छे अखलाक का नमूना पेश करेंगे। अजीदाने गिरामी, करबला में बावजूद इसके कि हुसैन पर जुल्म की इंतहा हो गई, मगर हुसैन ने किसी के लिए बद्दुआ न की, लाशों पर लाशें उठाते रहे, भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक एक से यही कहते रहे कि जिसका जहां दिल चाहे चले जाओ। कोई जबरदस्ती किसी पर नहीं थी, किसी को रोका नहीं जा रहा था, लोग आते थे, खुशामद करके जिहाद की इजाजत हासिल करते थे, आसानी से इजाजत नहीं मिल जाती। हमारी जानें निसार हो जाएं उन जानिसारों पर जो हुसैन की राह में अपनी गर्दनें कटाते रहे। अजीजों, ये मुहर्रम उन शहीदों की याद है जिन्होंने सच्चाई के लिए, जिन्होंने हक के लिए, जिन्होंने इंसाफ के लिए, जिन्होंने दीन के लिए, जिन्होंने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जानें दी हैं। उन शहीदों पर सलाम जो सुबह से शाम तक 3 दिन की भूख और 3 दिन की प्यास में गर्दनें कटाते रहे। बकौले अनीस, प्यास ऐसी थी कि आ गई जा होठों पर, साबिर ऐसे थे के फेरी ना दबा होठों पर। अजीजों, किसका तस्किरा करूं, किसका तस्किरा करूं, सुबह से जोहर तक दोस्त काम आए और जब जोहर का सूरज ढलने लगा तो अजीजों की बारी आई, जैनब के लाडले काम आए, अकील के लाल काम आए और उसके बाद अब्बास अपने भाइयों को लेके आए। देखिए अजीब और गरीब है करबला, खुदा की कसम, अब्बास से सब भाई छोटे थे, अब्बास अपने एक एक भाई को इजाजत दिलवा रहे हैं। रवायत बताती है कि हजरत अब्बास के सबसे छोटे भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अली जो थे
उनकी उम्र 22 साल थी, यानी मौला अली की शहादत के वक्त ये सिर्फ 2 बरस के थे। तो इनको अब्बास ने भी पाला था और हुसैन ने तो जाहिर है कि बाप की तरह पाला था। तारीख में आप देखें, मनाकिब में भी लिखा है और जिस तारीख किताब में चाहे आप देख लें, ये जुमला मौजूद है, हम मेरा कलेजा टुकड़े होता है जब इसको पढ़ता हूँ। ये अब्दुल्लाह इब्ने अली जो थे, इनकी शादी भी नहीं हुई थी, 22 बरस के थे और इनकी शादी नहीं हुई थी। जब और बड़े भाइयों को, जो हजरत अब्बास से छोटे थे मगर इनसे बड़े थे, सबको इजाजत दिलवा चुके, तो आखिर में हजरत अब्बास इनके पास आए, कहा आओ भैया तुम्हें भी इजाजत दिलवा दूं। उसके बाद जब जुमला कहा, फरमाया तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारी कोई यादगार भी नहीं है, मगर भैया आज आका पर निशान हो जाओ। खुदा की कसम हजरत अब्बास के जुमलों में बड़ी मोहब्बत टपक रही है। फरमाया तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे कोई यादगार भी नहीं है, मगर भैया आज आका पर निसार हो जाओ। ये कह के उनको भी जाके इजाजत मैदान दिलवा दी। और जब सब भाई रुखसत हो गए तो आखिर में अब्बास भी चले गए और अब्बास ने भी इजाजत मैदान लेके अपनी शहादत दे दी। मगर अजीजों एक जुमला कह के मजलिस को खत्म करूंगा कि जो माँ मदीने में बैठी थी, जब उसने सुना कि मेरे चारों शेर काम आ गए, तो ऐ बीबी उम्मुल बनीन, इन गुलामों और कनीजों का सलाम लीजिए जो यहां जमा हैं। अरे तारीख वफा में अजब दास्तान लिख गई अब्बास की वालिदा, बेटों के बाद बहुत दिन जिंदा रही, बैतुल हुजन में चली जाती नहीं, कभी बेटों पर न रोई, कहा तुम्हारी रोने वाली माँ जिंदा है, मैं उस पर रोऊंगी जिसकी माँ नहीं है, ये कह के नारा मार दी नहीं, हुसैना अरे मेरा हुसैन, दर दीवार से रोने की आवाज आती थी, मेरा दिल कहता है जन्नत से सैयदा कब्र अब्बास पर आती होगी, मैं तेरी माँ हूँ तुझे रोने आई हूँ।